Welcome to online classes. Now today I am going to talking about chapter number 7, the invention of Vita Wonk. एक invention है जो Vita Wonk है. एक invention मतलब कोई चीज जो scientist होता है कोई चीज का आविष्कार करता है. Invention means आविष्कार करना. Who are the oldest people you have? मतलब कोई आपके इसमें देखा आपने कोई oldest people? Now, what are the oldest things you have in your house? In your city, okay, town or village. How old are they? क्या आपके गांव में या आपके घर के पास या घर में कोई ऐसा कोई चीज है जो बहुत पुराना हो? Have you ever wished that you were older? So yeah, have you wished that you could grow up in a miss hurry? So yes, चलो जल्दी से बढ़ना और जल्दी से बूढ़ा होना एक नेचर है, नेचुरल है. So let's see here. Mr. Willy Wonk begins by inventing Wonka wheat, which makes people younger, but Wonka wheat is too strong. So some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he has got to wait 87 years before he can come back. So Mr. Willy Wonk मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग. मतलब इन्होंने एक इन्वेंट किया था मिस्टर Vita Wonk ने. जो भी उस चीज को लेता था, उस दवाई को लेता था, या फिर वो डिसअपीयर हो जाता था. डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाता, या फिर एज से ज्यादा हो जाता. जैसे 8 इयर्स का वो 87 इयर्स, यानी बहुत पुराना या फिर बूढ़ा हो जाता था. सो लेट्स सी. मिस्टर Wonk सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स. रोल्ड मीन्स अपने बाजुओं को चढ़ाया. एंड सेट टू वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माय ब्रेन, मतलब अपने दिमाग को निचोड़ा. अ सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, उसने एक रेसिपी सर्च करने के लिए अपने दिमाग को, बोलते हैं ना कि स्ट्रेच करना ब्रेन को, थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस करके काम करना. आई हैड टू अ क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्ड आइडियाज वर. सो या ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट. सी या ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट इज अ कंपेरेटिव सुपरलेटिव. एंड सो यू हैव टू हा हा आई क्राइड. फॉर नाउ द लिविंग थिंग्स इन द वर्ल्ड, वॉट लिव्स लॉन्गेस्ट देन एनीथिंग एल्स. वॉट लॉन्गेस्ट, कौन सा लॉन्गेस्ट है? सो यू कैन सी अ ट्री विथ नीडल लाइक लीव्स एंड कोन्स. सो यह इट इज अ नीडल लाइक ए ट्री. वन इज ए ओक ऑफ अ फॉर्मली ऑफ लार्ज ट्रीज विथ अ हार्ड वुड. द चेयर इन कश्मीर इज अ काइंड ऑफ ओक ट्री. सो सैडर एन एवरग्रीन ट्री, इट इज अ एवरग्रीन. सी ओक एंड इट इज अ सैडर, वो एक ट्री रहता है वो एवरग्रीन रहता है हमेशा. ट्री विथ हार्ड राइट स्वीट स्मेलिंग वुड यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेस पेंसिल फैंस एंड एक्ट. इट सी स्पाइन एन एवरग्रीन ट्री विथ नीडल शेप्ड leaves and cones. See ya. Find all. So ya flea, a small insect living on the skin of animals for their blood.